औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है शेंजन वीज़ा रिफ्यूज्ड। आपका शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज हो जाए तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, न्यू वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म या फिर अपील। मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और इसके बारे में अगर आप क्या करें, अगर अपील करते हैं तो आपको क्या एक्सपेंस आएगा, कहाँ पर अपील करेंगे, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात मेरे उन सब सब्सक्राइबर्स के लिए जो सब्सक्राइब चैनल हमारा किया हुआ है, उन लोगों से भी जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, वो ये है कि हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहते हैं कि जी सारी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो में प्रोवाइड कर दी है, अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। लेकिन जो बाज़ हमारे क्लाइंट्स हैं हमें नहीं पता, वो शायद वो मतलब जान के करते हैं या फिर क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आगे से जब रिप्लाई नहीं करो तो आगे से कस्टमर बना के भेज देते हैं, नामनासिब आगे से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए बैठे हुए हैं, हमारी टीम काम करने के लिए बैठी हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने हमें काम दिया हुआ है हम उनका काम कर रहे होते हैं। अगर हम सबको इस तरह कॉल पर मालूमात देना शुरू कर दें तो हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, आपको सारी मालूमात हमारे ऑफिस के टीम मेंबर से मिल जाएगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगेन, मुद्दमाना गुजारिश है कि क्वेश्चन मार्क्स और नामुनासिब बातें लिख कर भेजना मुनासिब नहीं होता, ठीक है? हम लोग यहाँ फ्रॉड करने के लिए नहीं बैठे हुए। फ्रॉड करने से बात मेरी है कि हम आपसे जी से जी करना शुरू करते हैं, जिस तरह हम कहेंगे जी बिल्कुल, ताकि हम आपसे दो पैसे फ्रॉड के तरीके से कमा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल लीगल काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं, और आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से और आपके यकीन से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि कम अज़ कम एटलीस्ट आप, हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस में दे देते हैं, अगर आपको मज़ीद की मालूमात लेनी होती है तो हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि काफ़ी दूर से क्लाइंट्स होते हैं, कराची से होते हैं, पेशावर से होते हैं, दूसरे ममालिक से भी होते हैं, लेकिन अगर आप एक हमें व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देंगे हम लोग उसको सुन के भी रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बातें तो होती रहेंगी। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, स्पेन टूरिस्ट वीज़ा के जो एक काफ़ी लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गए हैं, रिफ्यूज हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं क्यों एक वीडियो बनाऊँ शेंजन वीज़ा रिफ्यूज़ल पे, आप उसके क्या कर सकते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, जब आपका अगर पॉइंट्स नंबर, जब आपकी रिफ्यूज़ल आपके पास आता है तो 13 पॉइंट्स टोटल होते हैं, जितना आपका पॉइंट्स लगे होते हैं क्रॉस किया होता है, हम लोग आपका इस बिहाफ पे रिफ्यूज़ कर रहे हैं। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, अगर मेरे ऑफिस से कोई केस रेडी हुआ और उस पर अगर पॉइंट्स नंबर 13 के अलावा कोई पॉइंट आ रहा है तो समझ जाएं कि केस एप्लीकेशन सही रेडी नहीं हुई। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक्यूरेट कह रहा हूँ कि अगर हमारे ऑफिस से भी कोई पॉइंट नंबर 13 के अलावा रिफ्यूज़ल लग रहा है तो उसका मतलब फाइल एप्लीकेशन ठीक नहीं हुई, क्योंकि पॉइंट नंबर 13 होता है कि हम इस बात पे श्योर नहीं है कि आप वो टेरिटरी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? अगर आपको पॉइंट नंबर 2, 10, 13 से नॉर्मल चल रहा है सारा कुछ, तो आप समझ जाएं कि आपके केस कंसल्टेंट ने सही रेडी नहीं किया, ठीक है? क्योंकि अगर मतलब सही रेडी करता है तो जस्ट पॉइंट नंबर 13 आता है उसको मतलब अपील तो आपका 2, 10, 13 को भी क्लियर कर सकता है, लेकिन आपके ज़्यादा चांस होते हैं 13 नंबर पे, बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है। अगर 2 नंबर पॉइंट साथ 10 नंबर पॉइंट भी लग रहा है, जो मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं उसको रीड करना पड़ता है प्रॉपर कि आपका केस भी इस बिहाफ पे रिफ्यूज़ किया है, तो आप उसको अपील पे जाके क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के ब्रांच के बिहाफ पे एज अ CEO कि आपके पास अपील पे राइट होता है अपील करने का शेंजन को, और आपका अपील पे वीज़ा 80% तक अप्रूव हो जाता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं तो, राइट? अब होता क्या है, आप जाते हैं कंसल्टेंट के पास, जी मेरा वीज़ा रिफ्यूज हो गया, कंसल्टेंट आपको दो ऑप्शन देता है कि अपील कर लें या फिर, सॉरी, कंसल्टेंट तो आपको ऑप्शन देगा, आप कहेंगे जी अपील कर लूँ या न्यू एप्लीकेशन कर लूँ। कंसल्टेंट आपको कहता है जी के न्यू एप्लीकेशन करें। कभी आपने सोचा कि कंसल्टेंट मुझे बात क्यों कह रहा है? इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो उसको अपील करना नहीं आती या फिर आपसे पैसे लेना चाह रहा है। बिल्कुल एक्यूरेट मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह ये होती है कि एम्बेसी की फ़ीस 80 यूरो, जेरी की फ़ीस आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, और उसकी कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी फ़ी भी आपको दोबारा देनी पड़ेगी, सारा कुछ। अपील पर यह होगा कि आपकी कोई ऑनलाइन फ़ीस नहीं होती, बिल्कुल इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती, आपने जस्ट घर में बैठ के ईमेल कर देनी है। और ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि स्पेन की एम्बेसी हो जाए, दूसरी एम्बेसी आपसे रब्ता ज़रूर करेगी, चाहे फ्रांस की हो, डेनमार्क की हो, आइसलैंड की हो, जर्मनी की हो, अपील आपसे रब्ता ज़रूर करेगी, चाहे ईमेल के थ्रू करे या फिर कॉल के थ्रू आपको बुलाएगी इंटरव्यू के लिए, या आपका इंटरव्यू कॉन्टैक्ट करेगी कॉल पर, फिर आपको उसका फैसला करेगी आपने क्या करना है। अगर अपना इंटरव्यू आप अपना अच्छा दे देते हैं, आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, देन वो रेडी हो जाते हैं आपको वीज़ा देने के लिए, आपको एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपको दे देता है जी कि आप जाके हमारे कंट्री में जा सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपका शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज होता है
तो आप इसका अपील का राइट रखते हैं। इसकी ऑनलाइन कोई फीस नहीं होती, सिंगल यूरो फीस नहीं होती। जस्ट कुछ कंट्रीज़ में आपको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट भी करने पड़ते हैं और कुछ कंट्रीज़ में आपको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप ईमेल पे ही आपको उनका जवाब आ जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जो कंसल्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं हमें देख रहे हैं या फिर जो हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपका कभी शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज़ हो या फिर आपका हुआ है तो आप इसकी अपील करें, ना कि आप न्यू केस पे जाएं, न्यू एप्लीकेशन में जाएं। उससे आपका फाइनेंशियल नुकसान भी होगा और उस बात की क्या गारंटी है कि आपका न्यू केस में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो टेलीफोन नंबर है हमारा, मेरा पर्सनल टेलीफोन नंबर है 0347-0505-236। ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 0324-0805-236। हमारा ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है वो मेंशन कर दूंगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ऑफिस की टाइमिंग 9 to 5:30 है। बहुत शुक्रिया। हमारे मीरपुर ऑफिस का एड्रेस है सेकंड फ्लोर ऑफिस नंबर 86 मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम, ऑपोजिट टू आज़ाद मेगा मार्ट, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। खुदा हाफिज़।